अल्ट्रासाउंड से कैसे पता लगा सकते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है? ऐसे कौन कौन से अलग से बदलाव होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होगा या लड़की होगी? हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रेगनेंसी से संबंधित एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए यूजफुल होने वाली है जो प्रेग्नेंट है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अल्ट्रासाउंड से कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का होगा या लड़की होगी। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड को देखकर कैसे बता देते हैं कि घर में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है? वैसे तो फ्रेंड्स, हमारे देश में बच्चे का लिंग निर्धारण कराना कानून अपराध है और मेरा चैनल इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देता है। जो मेरी वीडियो है वो केवल अनुभव पर आधारित है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं शुरू। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अल्ट्रासाउंड में ऐसी कौन सी चीज़ होती है, ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिसे डॉक्टर समझ जाता है कि घर में पल रहा शिशु लड़का होगा या लड़की होगी, लेकिन कोई आम आदमी नहीं समझ पाता है। आज की वीडियो में मैं 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसे आप अपना अल्ट्रासाउंड देखकर पता लगा सकते हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का होगा या लड़की होगी। तो फ्रेंड्स, जो पहली चीज़ है वो है शिशु के सर का आकार। तो डॉक्टर की माने तो लड़के के सर का आकार लड़के के सर से थोड़ा बड़ा होता है। तो यदि आपके अल्ट्रासाउंड में आपके शिशु के सर का आकार बड़ा है और चौकट सा है तो आपके घर में पल रहा शिशु लड़का हो सकता है। वहीं दूसरी ओर यदि आपके शिशु के सर का आकार छोटा और गोलाई में है तो आपके घर में पल रहा शिशु लड़की हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आप अल्ट्रासाउंड से भी पता लगा सकते हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का होगा या लड़की होगी। तो फ्रेंड्स, जो दूसरी चीज़ है वो है नवलिंग परीक्षण। तो फ्रेंड्स, शुरू के जो 3 महीने होते हैं उसमें ना कोई डॉक्टर बता सकता है और कोई भी नहीं बता सकता कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का होगा या लड़की होगी। जैसे ही 3रा महीना समाप्त हो जाता है और 4था महीना शुरू हो जाता है तो आपके शिशु का लिंग बनना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि नव परीक्षण क्या होता है। जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करने लगता है तो उसके दोनों टांगों के बीच में एक ट्यूबरकल नाम का जननांग होता है जिसे नव कहते हैं। तो आगे चलकर यही बताता है कि घर में पल रहा शिशु लड़का होगा या लड़की होगी। यदि डॉक्टर की माने तो ये जो नव जननांग होता है ये रीढ़ की हड्डी से 30 डिग्री से कम कोण बनाता है तो माना जाता है कि लड़की होती है। यदि ये जननांग रीढ़ की हड्डी से 30 डिग्री से ऊपर कोण बनाता है तो माना जाता है कि लड़का हो। जो तीसरी चीज़ है वो है टर्टल या हैमबेगर। तो मैं आप लोगों को डिटेल में समझाती हूँ। तो हमारी प्रेगनेंसी का 1st ट्रेमेस्टर समाप्त हो जाता है, 2रा ट्रेमेस्टर शुरू हो जाता है, तभी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होगा या लड़की होगी। क्योंकि जो शिशु के जननांग होते हैं वो 2री तिमाही से बनना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, माना जाता है कि यदि शिशु के जननांग वाली जगह पर कछुए के आकार का यानी टर्टल के आकार का आपको कुछ दिखाई देता है तो गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होगा। यदि वहीं दूसरी ओर आपको शिशु के जननांग वाली जगह पर ऐसे 3 लाइनें दिखाई देती है या हैमबेगर का चिन्ह दिखाई देता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़की हो सकती है। अल्ट्रासाउंड के दौरान आपके बच्चे के हाथ पैर खुले रहते हैं तो तभी अल्ट्रासाउंड में साफ साफ दिखाई देगा कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का होगा या लड़की होगी। यदि वहीं बच्चा सिकुड़ सा रहेगा और इससे कोई भी डॉक्टर या कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़की होगी या लड़का होगा। चीज़ है वो है हार्ट बीट। जी हाँ फ्रेंड्स, कई बार ऐसे हुआ है कि इसका रिजल्ट 100% नहीं निकला है। तो फ्रेंड्स, कई सारे केसेस में यह गलत भी निकला है। तो फ्रेंड्स, माना जाता है कि जब बच्चे की हार्ट बीट 140 से कम होती है तो उसे लड़का होने का सबसे सटीक लक्षण माना जाता है। तो वहीं दूसरी ओर यदि हार्ट बीट 114 से ज़्यादा रहता है तो उसे लड़की होने का सबसे सटीक लक्षण माना जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, हम हार्ट बीट से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होगा या लड़की होगी।